वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम अगेन बात करेंगे घटना चक्र बुक के बारे में। ये है इसका भाग 10। अब तक हमने बात करी थी भारत के भूगोल के बारे में, अब हम बात करेंगे आपसे विश्व का भूगोल के बारे में। इसमें हम बात करेंगे जनजाति के बारे में, परिवहन के बारे में, घास के मैदान, वन, जनसंख्या और पर्यावरण से संबंधित अब तक एसएससी के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आई होप आपने अब तक के प्रीवियस पार्ट जो भी इस बुक के बने हैं वो सभी देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे कोई भी पार्ट, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक प्लेलिस्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कॉर्नर पर देखिए कि घटना चक्र किताब के नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, वहाँ पर आपको इस बुक से संबंधित तमाम वीडियो, भूगोल, हिस्ट्री, अन्य सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, वो सब आपको मिलेंगे ओनली एंड ओनली जीके के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जनजाति से संबंधित पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, शायद ये आपको आता भी होगा। अगर आपको तैयारी करते हुए काफ़ी कम समय हुआ है तो शायद आपको ना पता हो, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जब समय काफ़ी कम होता है तो केवल और केवल स्मार्ट तरीका यही होता है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उस एग्ज़ाम को लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, केवल उनका रिविज़न करा करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं, या फिर आपसे पूछेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि रेड इंडियन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो आपको चार देश के नाम देगा, जैसे कि आपको ऑप्शन में सामने दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका और केन्या। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशु चारण का कार्य करती हैं, या फिर कौन सी जनजातियां पशु चारण का कार्य करती हैं, बोरो, मसाई, पिग्मीस या एस्किमो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मसाई। और ये मसाई क्या होती है, ये मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके डिटेल में जा करके देखते हैं कि मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या और उत्तरी तंजानिया और पूर्वी उगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशु चारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है, पशुपालन। ये पशु का पालन करते हैं, उसे बेचते हैं और जो रोजमर्रा की जो आवश्यकता होती है वो इसके माध्यम से वो पूरी करते हैं। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि कौन सी जातियाँ पशु चारण का कार्य करती हैं। तो मसाई जनजाति टोटली डिपेंड है किस पे, पशुपालन पर। क्वेश्चन नंबर थ्री की बाड़ा, बाड़ा को बोलते हैं क्राल, शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मसाई चरवाहे का बाण से घिरा गांव। अभी हमने देखा था मसाई, जो मसाई का जो गांव होता है वो चारों तरफ से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाड़ा। कहते ना कि यार खेत में बाड़ा लगा दो जाकर के, बाड़ा मतलब कि खेत की चार दीवारी खड़ी कर दो, जिससे क्या होता है बाहर के जो जंगली जानवर होते हैं वो खेत में आकर के खेत को नष्ट ना करें। तो मसाई चरवाहा का बाड़ा से घिरा हुआ गांव। क्वेश्चन नंबर फोर, पीला रंग, मझोला कद, एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है। तो ये है आपका मैंगोलॉयड का। राइट आंसर क्या है इसका, सी, मैंगोलॉयड। अब इस बुक में दी गई है एक तथ्यात्मक प्रस्तुति, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एस्किमो लोगों का निवास साइबेरिया, ये कहाँ पर है, रूस है, अलास्का जो पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा और ग्रीनलैंड में है। मॉरिस, मॉरिस शब्द जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कई देशों के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मॉरिस शब्द कौन से देश के लिए प्रयुक्त करा जाता है, तो वो है आपका दक्षिण अमेरिका के कई देशों के आदिवासी लोगों के लिए ये प्रयुक्त करा जाता है। अब हम बात करते हैं फिलहाल परिवहन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एसएससी में अब तक पूछे गए थे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में डैश से क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लाडिवोस्टक। मतलब ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लाडिवोस्टक से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। क्वेश्चन नंबर टू, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं क्या, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लाडिवोस्टक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है, मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चंस, एसएससी सीजीएल का जिसका भी एग्जाम आने वाला है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो इसे नोट मत करना, इसको डायरेक्ट अभी पॉज करिए वीडियो को और तुरंत इसको याद करिए। ज़्यादा टफ इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर फाइनल जो है वो रहेगा, वो है आपका यूएसए। क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगर भारत की कंपेयर करा जाए तो उसका जो रैंक है वो क्या है, ये है चौथा। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, फोर्थ पोजिशन पर। क्वेश्चन नंबर फाइव, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है कौन सा, ये है आपका चीन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, तो इसका राइट आंसर है हेड लैंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है, मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चंस ये भी है। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली एमटीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपका एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, वैसे तो एग्जाम आप कैंसिल हो गए सारे, दोबारा होंगे और बहुत जल्द होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ पेन डाउन कर लेना, इसको लिख लेना कहीं पर अपने नोट्स में, उसको याद करना भूलना मत, ठीक है। उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर एट, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर, तो सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर नाइन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि, क्या रीजन क्या है, इसमें लॉक मतलब जलपास प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर टेन, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को, मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये भी है। देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये भी है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये भी है, ये बोल के मैं आपको बोर नहीं करूँगा फिलहाल, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, स्टेनोग्राफर का हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी और एसएससी के अलावा डिपार्टमेंट के जो एग्जाम होते हैं रेलवे वगैरह के, तो ये सभी क्वेश्चंस एक्चुअली काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, वो भी अच्छे तरीके से। तो देखिए क्या होता है कि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम में आ सकते हैं और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन डाउन जरूर करेंगे इसको और ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, डैम श्योर फिर आप आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं क्या, पर्थ और सिडनी, पर्थ और सिडनी। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे तथ्यात्मक प्रस्तुति के बारे में कि उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन देखा था, तो ये क्वेश्चन अगेन आपका रिपीट हुआ है और इसी बहाने कम से कम आपका रिवाइज हो गया। अगला जो फैक्ट है वो ये कि इंग्लैंड और स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर, इंग्लैंड और बेल्जियम तथा फ्रांस और इंग्लैंड में से फ्रांस और इंग्लैंड दो ऐसे देश हैं जो अंतर जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। अंतर जलीय सुरंग द्वारा कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी रीजनिंग में भी, जैसे सीजीएल जैसे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो हमें रीजनिंग में भी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसमें से विषम छांटो, ठीक है, विषम चूज करो इसमें से क्या है, क्या इसमें ऑड है, तो आपको ये चार ऑप्शन देगा, इसमें से एक आपका चेंज कर देगा, तो आपको जो नहीं है कनेक्टेड वो आपको चूज करने हैं। क्योंकि थोड़ा सा सीजीएल का लेवल भी थोड़ा सा हाई हो रहा है, तो कट ऑफ काफ़ी अच्छी जा रही है इस बार, तो आप देख लीजिएगा अपना, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं फिलहाल घास के मैदान के बारे में,
दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पंपास। क्या कहते हैं इसको? पंपास। क्वेश्चन नंबर टू, चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पर? ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। देखिए क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में आप डिफरेंस देखिए क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी क्वेश्चंस की लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दी है। तो यही स्किल्स आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि क्वेश्चंस को अगर इस तरह से नहीं पूछेगा तो इसके द्वारा क्या क्वेश्चंस नया बन सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि चारागाह को पंपास कहाँ पे कहा जाता है, किस जगह पे कहा जाता है, किस देश में कहा जाता है। तो इसी तरह से आपको ये स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। और इस तरह के कोई भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अपनी बुक भी पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट आपको फोकस करना है क्वेश्चंस पे और उसके राइट आंसर पर, अन्य विकल्प पर, अदर ऑप्शंस पे आपको फोकस नहीं करना है। केवल पढ़िए चारागाह को पंपास कहा जाता है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। अगर यही लाइन आपने केवल ये पढ़ी होती है सिंपल क्वेश्चन नंबर वन में और डायरेक्ट फोकस करा था अपने आंसर नंबर ए पर, तो आप कन्फ्यूज नहीं होते। शायद ये भी काफ़ी ईजी है, इतना टफ नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि उत्तरी अमेरिका के प्रेरी है क्या है? तो ये है आपके शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल। क्वेश्चन नंबर फोर, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं प्रेयरी के नाम से। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य अक्षांश घास स्थल को। तो मतलब कि मध्य अक्षांश घास स्थल को क्या बोलते हैं? ब्रेड बास्केट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं क्या? सवाना। क्या बोलते हैं इसको? सवाना। क्वेश्चन नंबर सेवन, लानो कहाँ की घास स्थल है? तो ये जो घास स्थल है ये है आपका गुआना का। गुआना उच्च भूमि को हम क्या बोलते हैं? लानो। क्वेश्चन नंबर एट, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? तो ये है आपका घास स्थल से। कहाँ से? घास स्थल से। अब थोड़ा सा एक तथ्यात्मक परिस्थिति बहुत ही कम दी है, केवल एक ही क्वेश्चन इसमें दिया है इसने, और जो काफी इम्पोर्टेंट भी है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास कहा जाता है। देखिए तथ्यात्मक परिस्थिति भी काफी अच्छी है, इसने क्या करा गया है, इसमें केवल वही प्रस्तुत करा है जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस होते हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, आपको सभी वॉच करने हैं, इसको भी देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है किस चीज का? ये है आपका जनसंख्या का, अगर उच्च वृद्धि दर होगा तो क्या होगा? जब जन्म ज्यादा होगा और मृत्यु दर क्या होगी? कम होगी। तब क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। मतलब कि आपका अगर कोई एरिया है, जिस भी आप शहर में रहते हैं, कोई भी नाम है आपका एक्स वाई जेड, अब इस एक्स वाई जेड में कॉमन सी बात है कि लोग जन्म ले रहे हैं, दिन में अगर एक दिन में आपके पूरे मोहल्ले में 5 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन डेथ एक की भी नहीं होती, या एक की होती है, चलो एक दिन में एक की डेथ, 5 ने लिया जन्म, तो क्या होगा? इस तरह से एक टाइम बाद क्या आएगा? जनसंख्या पे बढ़ जाएगी। कॉमन सी बात है, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर का अभिलक्षण क्या होगा? जब जन्म ज्यादा होगा और डेथ रेट क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन नंबर टू, कुल जनसंख्या का उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है क्या? कुल जनसंख्या का उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है? तो यह है आपका डाउटफुल क्वेश्चन। कभी कभी एसएससी एग्जाम में इस तरह के केस भी देखने को मिलते हैं कि क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, बच्चे एग्जाम देके आते हैं, बट राइट आंसर उनको कहीं से नहीं मिलता, बच्चों को डाउट होता है, तो वो क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट में चैलेंज मार देते हैं। मतलब चैलेंज कर देंगे डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपने ये क्वेश्चन गलत पूछा था। तो ऐसे केस में क्या होता है, सबको एक एक नंबर मिलता है, लेकिन उस केस में अगर आप कोई भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर टू को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग रहेगा, क्योंकि राइट आंसर उसमें है ही नहीं, फिर भी आपको एक नंबर मिलेगा अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो, ध्यान रखना। ठीक है, और जनसंख्या गलत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, और ये कायिक घनत्व का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन सीजल जैसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, सीजल जैसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकता है, तो सीजल एस्पिरेंट जो भी है इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ये सभी फॉर्मूले याद करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व
किसकी संख्या से मापा जाता है? ये मापा जाता है लोगों की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। वैसे मुझे लगता है सऊदी अरब, लेकिन वास्तव में इसका राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान, और भारत का तीसरा स्थान है जहाँ पे क्या होते हैं मुस्लिम जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक है। सबसे अधिक जो है वो है इंडोनेशिया में, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान, और थर्ड नंबर पे आता है आपका भारत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? तो ये है आपका इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 6, जननांकिकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, विलंबित विस्तारशील चरण। क्वेश्चन नंबर 7, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? जहाँ पे वन्य जीव को सुरक्षित रखा जाता है, उनका कल्याण करा जाता है, उनका विकास करने पे गौर किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं अभ्य वन। क्या बोलते हैं इसको? अभ्यारण्य बोल सकते हैं, अभ्य वन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 रहेगा वो आपके सामने ये रहा कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो हम उसको बोलते हैं नेशनल पार्क, या फिर बोल सकते हैं उसको राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 9, कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को उनके लोगों की साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बस केवल ये ABCD को ऑप्शन पे गौर नहीं करना है, आपको केवल गौर करना है फिलहाल किस पर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको गौर करना है केवल इस पर, साक्षरता रेट क्या है। श्रीलंका में 92.6%, भारत में 73%, पाकिस्तान में 58%, बांग्लादेश में 61%। तो ये इनका रेशियो है, ये परसेंटेज है। साक्षरता रेट सबसे अधिक कहाँ पर है? श्रीलंका में। क्षेत्रफल छोटा है, लोग भी वहाँ पे कम है, तो एजुकेशन स्केल से आराम से बढ़ सकता है वहाँ पर, लेकिन इंडिया जैसी कंडीशंस में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग पढ़ने को तैयार नहीं है क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल में जाने के बजाय पे अपने माता पिता के साथ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कोई फुटकर व्यापार वगैरह होता है वो करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए रेट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत की कंडीशंस क्या जा रही है, 73, देखो श्रीलंका देखिए 92 के पहुँच गया है। सबसे ज़्यादा वैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि इंडिया के अंदर कौन से स्टेट है यहाँ पे मैक्सिमम साक्षरता रेट है, तो वो है आपकी केरल। तो केरल पे आप फोकस करिएगा क्योंकि केरल से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता जो भी रेट है, वो कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है, तो वो है केरल। अब हम बात करते हैं वन एवं पर्यावरण से संबंधित क्या क्या SSC में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल अब तक क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण में शामिल क्या क्या होता है। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण काफ़ी ख़राब हो गया है, दूषित हो गया है, पेड़ कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली क्या क्या चीज़ें शामिल होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें होता है अजैव और जैव कारक दोनों। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में मैं आपको चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें थोड़ा सा डिटेल में, वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पर्यावरण में जैव व अजैव कारक शामिल होते हैं, जैव कारकों के अंतर्गत क्या क्या उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। क्या क्या आते हैं जैव कारक में? जैव कारक में केवल और केवल 3 चीजें हैं इसके अंतर्गत, वो है ये क्या, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। अजैव कारकों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ तथा जलवायु कारक आते हैं। तो अजैव और जैव किस किस से मिलकर बना है वो आप देख लीजिएगा, एक बार सामने देखिए। जैव जो बनते हैं वो बनते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। बात करें अजैव की तो उसमें कार्बनिक, अकार्बनिक प्लस जलवायु। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष के उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो ये करा गया है USA के द्वारा। किसके द्वारा? USA के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारक क्या है? तो ये जो कारक है ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए ABCD 4 ऑप्शंस, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से है? तो यह आपका ग्रह दाह। ग्रह दाह का संबंध बलपूर्वक घरों को जलाए जाने से है। जो ग्रह का मतलब दाह कहते हैं ना कि दाह संस्कार जो इंसानों का होता है, मतलब इंसानों को जलाया जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, एक संस्कार होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो ग्रह को जलाना, ग्रह को दाह करना, दाह का मतलब होता है जलाना, तो घर को जलाने बलपूर्वक। अतः ग्रह दाह मानव निर्मित एक सामाजिक विपदा है, जबकि ओजोन क्षरण जो है मानव निर्मित एक पर्यावरणीय विपदा है। तो इसमें पूछा गया था कि मानव निर्मित जो विपदा हो सकती है, मानव के द्वारा बनाई गई विपदा क्या होती है? घर को जलाना, जबकि मलबा, स्खलन, ए बी डी, ये सभी क्या है? ये सभी प्राकृतिक में काउंट होगा, लेकिन बाकी सब जो है आपका ये ग्रह दाह क्या है, ये एक मानव निर्मित विपदा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? तो ये होता है आपका भूस्खलन। क्या होता है? भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर सेवन, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? तो यह है बढ़ती हुई आबादी। क्या है ये? बढ़ती हुई आबादी। क्वेश्चन नंबर एट, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित था? तो ये था आपका मॉन्ट्रियल। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। क्वेश्चन नंबर नाइन, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो ये करा गया था 1961 में। क्वेश्चन नंबर टेन, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है कहाँ पर? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम एग्जाम्पल क्या है? तो यह है आपका सिट्रस। क्या है ये? सिट्रस। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका जीव मंडल। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो ये है आपका जल मंडल। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यह है आपका सागर, मैंग्रोव झील और घास मैदान। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब है पारिस्थितिक संतुलन के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो ये वन है आपका मैनग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण, मतलब कि मिट्टी का क्या होता है कि मिट्टी का लॉस होता है इसमें, ठीक है, उप भूपृष्ठीय जल के प्रभाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किससे प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं पारिस्थितिकीय प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर एटीन, औद्योगिक बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया गया है? तो इसका सही जवाब है ए, वाटर हाइजिन। क्या? वाटर हाइजिन। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टुंड्रा प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, अमेजनी वन एक प्रकार के हैं क्या? ये है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अमेजनी वन किस प्रकार के वन है? तो ये है आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन,
विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो यह है आपका 10%। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो यह है आपका साइबेरिया का टाइगा वन। क्वेश्चन नंबर 23, वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? तो ये होती है आपके उष्ण कटिबंधीय अंचल में। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में किस भोजन उत्पादक की बढ़ती हुई शुद्धा उष्ण कटिबंधीय वन उन्मूलन का प्रमुख कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है गौ मास। क्वेश्चन नंबर 25, सदाबहार जो किस्म के वन होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26, पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वो होते हैं कि अपनी पत्तियां एवरी ईयर मतलब कि हर वर्ष क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो हर वर्ष इनकी पत्तियां झड़ती हैं, गिरती हैं और दोबारा से नई पत्तियां आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 27, की अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डी, विषुवतीय। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो ये होती है पाद पलवक पुंज से। क्वेश्चन नंबर 29, अब हमको करना है इसका मिलान। तो मिलान हम के लिए हम लोग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हम केवल डायरेक्ट पैन डाउन करेंगे इसके राइट आंसर को। तो राइट आंसर में हमको केवल फोकस करना है इस पर। शीशम पतझड़ी वनों में पाया जाता है। अगर बात करें झाड़ियाँ तो झाड़ियाँ होती हैं शुष्क वनों में। बात करें मुरझ की तो ये होता है अल्पाइन वन में। और सुंदरी वन तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट सभी हैं लेकिन आपको सबसे पहले याद करना है शीशम, झाड़ियाँ और सुंदर वन, ये सुंदरी वृक्ष, ठीक है। इन सबको आपको याद करना है। इसमें से चाहो तो आप लोग ये मुरझ को छोड़ सकते हो। तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस चैनल पे एक लूसेंट वीडियो की प्लेलिस्ट है जिसमें कि पहले रेगुलर वीडियो अपलोड होते थे लूसेंट के, लूसेंट बुक की जो जीके की बुक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है 7-7 डेज का या 6-6 डेज का। उसका रीज़न एक्चुअली बहुत कुछ है। जैसे कि मैंने पार्ट 9 वीडियो में आपको बताया था कि रीज़न क्या रहा था, कि एक्चुअली मेरे पास PDF नहीं है। PDF मैं खुद स्कैन करता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, पेज फाड़ के उसको बैक टू बैक मैं मोबाइल से स्कैन करता हूँ, तो थोड़ा समय लगता है उसमें। ये काम मैंने आप सभी बच्चों को दिया था और मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी करा था इसके रिगार्डिंग कि कौन कौन से स्टूडेंट मुझे मोबाइल से अपनी स्कैन करके दे सकते हैं कि हाँ बुक को स्कैन करके भेजना मुझको। लेकिन बच्चों के कुछ के रिप्लाई आए तो मैक्सिमम बच्चों के पास ऑलरेडी किसी वेबसाइट से उन्होंने डाउनलोड करके मुझको PDF दिया, बट उसमें वो बात नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से मैं अभी हाईलाइट करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उस बुक में हाईलाइट करना ईजी नहीं था। जैसे कि तौर पे कि साइड का जो एरिया है, राइट साइड जो आप देख रहे हैं अपनी, तो वहाँ पे ये अक्सर क्या होते हैं, ये मुड़े हो जाते हैं, थोड़े से बैंड होते हैं। अगर हम किताब खोलते हैं तो साइड के एरिया छुप जाते हैं, तो वो तरीके से इसका नहीं हो पाता। मेरी डिमांड बस केवल इतनी थी कि मुझे अलग अलग पेज फाड़ करके, 100 रुपये की बुक आती है, आप मुझसे वो PayTM में आपको कर दूंगा, मुझे स्कैन करके अगर PDF भेजते हैं। तो मेरा टारगेट था कि सीजीएल से पहले मैं सभी वीडियो आपको बना के दे देता, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम की भी शॉर्टेज आ रही है, आप लोगों को भी अपने टाइम की कदर बहुत ज़्यादा है कि आप एक बुक को ब्रेक करके आप स्कैन नहीं कर सकते हैं। हम मोबाइल से अपनी सेल्फी तो ले सकते हैं दिन में 50-60, लेकिन हम लोग 50-60 एक पेज में हम लोग स्कैन नहीं कर सकते मोबाइल से। एक ऐप आती है कैम स्कैनर सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप देख रहे होंगे हर पेज के कॉर्नर पे आपको मिलता है कैम स्कैनर सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू हम कर सकते हैं स्कैन काफ़ी ईजिली। लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन ये छोटी सी हेल्प मैंने मांगी थी आपसे तो वो मुझे नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा भी एक्चुअली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे भी होती है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं पढ़ाई के साथ में, और भी आपके काफ़ी सारे काम होंगे, तो हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं एक्चुअली लाइफ में। ठीक है, मैं खुद स्कैन करूंगा उसको, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, बट मैं वीडियो पब्लिश करूंगा अपने अकॉर्डिंग जैसे मुझे टाइम मिलेगा। पहले मैं बुक में हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद पेज को ब्रेक करके उसके बैक टू बैक खुद अपना स्कैन करता हूँ, उसके बाद ये मैं आपका PDF जैसे शेयर मैंने यहाँ पे कर रखी है उसको यहाँ पे करता हूँ, सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, माइक से माइक लेकर के उसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है,
तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और साथ में फिर थोड़े खर्चे भी, क्या थोड़े क्या बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं इस चीज़ में भी। ठीक है, जहाँ तक वाजिब होगा उतनी मैं इस चैनल की पूरी हेल्प करूँगा, जब तक पॉसिबल हो सकेगा इस चैनल को मैं रन करूँगा, अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो रन को, इस चैनल को मैं यहीं पे पॉज कर दूंगा या तो कुछ टाइम बाद डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक आप लोग इस चैनल के साथ बने हुए हैं तब तक बने रहिए कंटिन्यू, और जो भी वीडियो है उन सबका लाभ उठाइए। इसी के साथ देता हूँ आपसे अलविदा, और बस केवल आपसे यही बोलूंगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, और आपके कोई भी फ्रेंड कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द लेके आता हूँ पार्ट 11। धन्यवाद।